1678 में मराठा फौज दक्षिण विजय के बाद घर लौट रही थी। मार्ग पर लगने वाले बड़े छोटे रियासतों को मराठा साम्राज्य में विलीन करने की जिम्मेदारी शिव छत्रपति के साले साहब सखोजी गायकवाड़ पर थी। लगभग सभी रियासतों ने लड़े बिना मराठों का स्वामित्व मान लिया था। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का बड़ा प्रदेश तथा तंजावुर से लेकर अरबी समंदर से जुड़ा कोंकण प्रदेश, इतना बड़ा राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर बेलवाड़ी रियासत थी, जिस पर येसाजी प्रभु देसाई और उनकी पत्नी रानी मलम्मा राज कर रहे थे। येसाजी प्रभु देसाई ने देखा कि मराठा फौज की एक टुकड़ी बेलवाड़ी से कुछ किलोमीटर दूर यादवाड़ में रुकी हुई है। उन्होंने मराठों का आधिपत्य मान ही लिया था, पर सिर्फ दूध के मसले के कारण दो सेना आपस में भिड़ गई, जिसमें सखोजी गायकवाड़ के हाथ से येसाजी प्रभु देसाई मारे गए। दरअसल मराठा फौज के कुछ आदमी सिर्फ दूध खरीदने बेलवाड़ी आए हुए थे। गांव वालों ने उन्हें दूध देने से मना किया। ऐसे में फौज के कुछ मराठों ने गांव वालों की गाय छीनने की कोशिश की, इसलिए वहां युद्ध का माहौल बना। पति का कत्ल होने के बाद रानी मलम्मा महिलाओं की टुकड़ी लेकर मराठों से युद्ध करने के लिए आ गई। रानी मलम्मा खुद बड़ी योद्धा थी और युद्ध के सारे दांव पेच भी जानती थी, परंतु वो सखोजी गायकवाड़ को हरा नहीं पाई। युद्ध के बाद रानी मलम्मा को बंदी बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने लाया गया, और जब महाराज को युद्ध करने और महिलाओं को युद्ध के मैदान पर लेकर आने का कारण पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उनके गुस्से का बांध तब टूट गया जब उन्हें पता चला कि सखोजी गायकवाड़ ने रानी मलम्मा के कुछ महिला योद्धाओं को रात भर कैद में रखा। और इतना ही नहीं, महाराज तक बात नहीं जानी चाहिए, इसलिए सुबह उनका अपमान करके छोड़ा गया। ये सब सुनकर महाराज ने रानी मलम्मा के सामने सखोजी गायकवाड़ को सजा देने की ठान ली। लोहे की तपती सरिया से सखोजी गायकवाड़ के आंखें निकाली गईं। ये सजा देने से पहले महाराज के मन में थोड़ा भी संकोच आया नहीं कि सखोजी उनकी पत्नी सकवार बाई के भाई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ नियम और कायदे बनाए हुए थे। युद्ध के दौरान महिलाओं को बंदी बनाना और गरीबों के निजी चीजें उठाकर लाना मराठा शासन में अपराध माना जाता था। सखोजी गायकवाड़ को इन दो अपराधों के लिए सजा मिली। इससे पहले भी महाराज ने कई सारे लोगों को सजा दी थी। इस घटना के बाद महाराज ने पूरे सम्मान के साथ रानी मलम्मा को उनका राज्य लौटा दिया। इस न्यायप्रिय राजा को देखकर मलम्मा ने महाराज की एक मूर्ति बनाई, जिसे आज भी यादवाड़ के हनुमान मंदिर में रखा गया है। इस मूर्ति की खासियत ये भी है कि इसमें महाराज अपनी गोद पर एक बच्चे को बैठाए कटोरे से दूध पिला रहे हैं, और उनके दाएं और बाएं दो महिलाएं भी खड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि उन दो महिलाओं में से एक खुद रानी मलम्मा है। मराठों से नफरत करने वाले कई सारे लोगों ने YouTube पर ऐसी वीडियो भी बनाई है, जिस पर उन्होंने दावा किया कि रानी मलम्मा ने महाराज को हरा दिया था। कई सारे बड़े बड़े वेब पोर्टल्स भी मिल जाएंगे जिसमें इस प्रकार के दावे किए गए हैं।